Hello everyone, welcome to Rare Education, Global Network of Medical Institution. आज इस वीडियो में हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर है, लेकिन उससे बाकी कुछ सवाल लेके आए हैं। सवाल है हमारे देश के मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस को लेके। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आने वाले 10 सालों के लिए NMC को WFM यानी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की तरफ से रिकॉग्निशन मिल चुका है। इससे क्या होगा कि हमारे जो मेडिकल ग्रेजुएट्स है वो कनाडा, USA और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपना फर्दर स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं या मेडिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये तो खुशखबरी हो गई हमारे मेडिकल एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट के लिए। और एक खबर आपको मिली होगी कि हाल ही में NMC ने नीट PG का जो कटऑफ है वो घटा के 0 कर दिया है, जहाँ एक तरफ हमारे एजुकेशन को इंटरनेशनल वैलिडेशन मिल रही है, वही ऐसे फैसले हमारे एजुकेशन क्वालिटी को बुरी तरह से असर कर सकती है। इस शॉकिंग डिसीजन पे अथॉरिटीज का ये कहना है कि हर साल इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा नीट PG का सीट्स खाली रहता है और उन्हीं सीट्स को भरने के लिए कट ऑफ को घटाया गया ताकि कोई भी PG एस्पिरेंट्स एडमिशन ले सके। अब सवाल ये है कि क्यों इतना ज्यादा सीट खाली रहता है, जहाँ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि नीट UG के लिए कितना कॉम्पिटिशन रहता है। लगभग 1,00,000 सीट रहता है टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को मिला के, जिसके लिए 15,00,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट कॉम्पीट कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर नीट PG के लिए इतने सारे सीट्स खाली रहते हैं क्योंकि नीट PG का जो फीस है वो 80,00,000 या उससे भी ज्यादा रहता है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। इससे चलते प्राइवेट कॉलेजेस में इतने सारे सीट्स खाली रह जाते हैं और उन्हीं प्राइवेट कॉलेजेस को इसका लॉस झेलना पड़ता है। लेकिन इसके चलते कट ऑफ को घटा के 0 पे लेके आना, क्या ये एक वैलिड सोल्यूशन है? कुछ सीटों को बढ़ने के लिए आप ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ही कॉम्प्रोमाइज कर दोगे? देखिए, ये एक बड़ी बात है कि हमारे मेडिकल एजुकेशन को WFME जैसे वर्ल्ड वाइड रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्निशन दे रही है। तो ऐसे वक्त में कई बेहतर सोल्यूशन ये है कि नीट PG का जो फीस है उसे रेगुलेट किया जाए, एक मैक्सिमम लिमिट सेट किया जाए जिससे ज्यादा कॉलेजेस चार्ज ना कर सके। शायद हमारे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के लिए वो एक बेहतर सोल्यूशन होता। एक तरफ NMC ऑफिशियल डॉक्टर अरुणा बानिकर का यह बयान आता है कि आप अपने बच्चों को बाहर भेजना बंद करें, जिसका कारण क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को दर्शाया जाता है। और दूसरी तरफ वही लोग ऐसे डिसीशन ले रहे हैं जो बिना किसी शक के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बुरा असर डालेगा। और बाकी ये तो हमारा ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है इस विषय में। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।